यूपी निकाय चुनाव का अंतिम और दूसरा चरण गुरुवार को पूरा हो चुका है। अब सभी की नजरें शनिवार 13 मई को होने वाली वोटों की गिनती पर टिक गई है। इस रिजल्ट से पहले एक मीडिया हाउस ने एग्जिट पोल भी किया है। ये एग्जिट पोल यूपी के सभी 17 नगर निगम में किया गया है। इसमें ये जानने की कोशिश की गई है कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या था, किस नगर निगम में कौन सी पार्टी बाजी मार रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 17 में से 10 सीटें मिल रही है, वहीं बसपा और सपा को एक एक सीट मिल रही है। 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला है। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर में बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। चलिए अब सबसे पहले 17 नगर निगमों की तस्वीर भी देख लेते हैं। सहारनपुर पर इमरान मसूद का असर साफ दिखाई दिया है। 3 मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी बीजेपी को उतना फायदा होता नहीं दिख रहा है। यहाँ की सीट बसपा के खाते में जा रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी के सामने तीनों दलों से 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे। बीजेपी में प्रत्याशी चयन को लेकर अंदरूनी कलह भी दिखाई दिया, उसका असर भी उसके वोटों पर दिखाई दिया है। इसे 3 मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी उसकी बढ़त नहीं दिख रही है। इसके बाद भी मुस्लिम वोट सपा के पास जा रहे हैं। इससे बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। वही मेरठ की बात करें तो यहाँ पिछली बार बसपा का मेयर था, इस बार सपा और बीजेपी के बीच लड़ाई नजर आई। इस लड़ाई में सपा बाजी मारती दिखाई दे रही है। कानपुर नगर निगम में मेयर सीट पर बीजेपी ने प्रमिला पांडे को उतारा है। प्रमिला इस समय सिटिंग मेयर भी है, उनका रुतबा पूरे यूपी में अलग ही है। इसका असर भी दिखाई दिया, प्रमिला काफी आगे दिखाई दी है। ऐसे में यहाँ भी बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। बरेली में बीजेपी और सपा के बीच ही टक्कर दिखाई दी है, इस टक्कर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ की मेयर सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ सपा ने अंतिम समय में प्रत्याशी बदला था, लेकिन इस बदलाव का उसको फायदा होता नहीं दिख रहा है, यहाँ भी बीजेपी आगे है। वही शाहजहाँपुर पर भाजपा और सपा के बीच टक्कर को कांग्रेस ने त्रिकोणीय बना दिया है, इससे बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। अब बात करें अयोध्या की तो यहाँ पिछले कुछ दिनों से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर पार्टी में असंतोष की बातें हो रही थी, लेकिन ये बातें वोटिंग के बाद निराधार साबित हुई है। यहाँ पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है। वही अलीगढ़ में बीजेपी सपा बसपा और कांग्रेस के साथ ही ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से भी उम्मीदवार उतारा गया है। चौतरफा मुकाबले के कारण ही यहाँ की सीट फिलहाल किसके खाते में जा रही है ये स्पष्ट नहीं हो सका है। यहाँ पर अंतिम लड़ाई बीजेपी और सपा में सिमटती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। वही प्रयागराज में बीजेपी की सिटिंग मेयर अभिलाषा गुप्ता की जगह गणेश केसरवानी को टिकट मिलने के कारण बीजेपी को दिक्कतों की बात कही जा रही थी। अभिलाषा गुप्ता कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी है, लेकिन वोटिंग में बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं दिखी, यहाँ बीजेपी की जीत नजर आ रही है। मथुरा में अंतिम समय पर कांग्रेस ने एक निर्दलीय को समर्थन का ऐलान कर दिया। सपा की तरफ से भी कुछ इसी तरह की घोषणा से मामला फंस गया है, इससे आगे तस्वीर साफ नहीं है। झांसी में पिछले चुनाव के मुकाबले 4% कम मत पड़े, कम वोट को सत्ता के खिलाफ माना जाता है, लेकिन यहाँ बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है, यहाँ की सीट बीजेपी के कोटे में जा सकती है। आगरा में बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला दिखाई दिया है। मुरादाबाद में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच दिखाई दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी पिछली बार सपा से थे, उस समय भी उनकी ही टक्कर बीजेपी से हुई थी। इस बार यहाँ सपा तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। विनोद अग्रवाल सिटिंग मेयर भी है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो कभी अटल जी और राजनाथ सिंह के यहाँ से सांसद होने के कारण ये सीट बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वोटिंग का पैटर्न भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिया है, यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दी है। सीएम सिटी के नाम से मशहूर गोरखपुर में नगर निगम की सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। वही वाराणसी नगर निगम में 2 दशक से बीजेपी का कब्जा है, इस बार भी बीजेपी को साफ बढ़त दिखाई दे रही है। बता दें यूपी में पिछले चुनाव तक 17 नगर निगम थे, इसमें से बीजेपी को 17 पर जीत मिली थी। 2 नगर निगमों में बसपा का मेयर बना था। सपा और कांग्रेस की झोली फिलहाल खाली है। रिपोर्टर एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिमी यूपी के बीजेपी को नुकसान हो रहा है। इस एग्जिट पोल में अगर मुद्दों की बात करें तो लोगों के जहन में सबसे आगे माफिया पर कार्रवाई का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे को सीएम योगी ने भी अपनी हर सभा में उठाया है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, बुलडोजर पर एक्शन, यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, तमंचा वर्सेस टैबलेट और उद्योगों का विकास लोगों के लिए मुद्दा बना रहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।